अब हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो रही है। अभी हम लोग सी जो टर्बो सी सी प्लस प्लस का कंपाइलर है वो यूज करते हुए कोई साइड प्रोग्राम बनाएंगे अगर उसमें से स्टार्ट टर्बो सी का सही हम यहां पर जाकर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कीप दिस फुल स्क्रीन मोड एक ग्राफिक्स अवेलेबल, यानी आप फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो उसके ऊपर टिक कर दें, वरना मैं नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग अक्सर पेस्टर जो है वो स्टूडेंट्स को परेशानी होना शुरू हो जाती है। ये देखिए प्रोग्राम पहले से बना हुआ था जो हम लोगों ने इसे कर दिया हुआ, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ था। अगर आपके पास कोई से नंबर्स हो ना, हाँ मैक्सिमम तीन नंबर आप इनपुट करें, उनमें से जो बड़ा नंबर है वो फाइंड आउट करने के लिए, तीनों में से कौन सा मैक्सिमम नंबर होगा वो फाइंड आउट करने के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ। ये ब्लू स्क्रीन है जो स्टेटमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। उसके बाद ना मैं चलें इसको आपके सामने ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो प्रोग्राम बना हुआ है आप लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। ये नीचे मैसेज विंडो है, ये वाला, ठीक है। इस मैसेज के अंदर जब हमारे पास अगर कोई एरर आ जाए तो इसी के अंदर शो होता है और फिर बताया जाता है कि आपने एरर जो है वो किस तरह से क्रैक करना है या जो भी काम करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखे ना ये लिखा हुआ है कंपाइल, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये देखे ना मेरे पास आ गया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कंपाइल। ऑल्ट F9 में प्रेस करें तब भी कंपाइल हो जाता है यार मैसेज, बता जी सक्सेस सही है, यानी आपका जो प्रोग्राम है वो बन गया हुआ है, सही है, कंपाइल सही तौर पे हो गया। कोई भी की प्रेस करें ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल जो प्रोग्राम में रहे ना। तो अभी आपके सामने ये रन है, रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके रन करता हूँ। चलें प्रोग्राम रन हो गया, कहता है एंटर फर्स्ट नंबर और प्रोग्राम की स्टेटमेंट से अभी पीछे से फर्स्ट नंबर मैं एंटर करता हूँ 23, एंटर का बटन दबाया, कहता है एंटर सेकंड नंबर मैं 43 प्रेस करता हूँ, कहता है एंटर थर्ड नंबर, क्योंकि मैंने तीन नंबरों में से जो ग्रेटर नंबर है वो फाइंड आउट करना है, मैं कर देता हूँ ये 34 का। एंटर का बटन दबाता हूँ, द मैक्सिमम इज द मैक्सिमम नंबर इज 43, इन तीनों में से नंबर क्या है 43 है, शायद उसने कोई से बीच में से एरर था जिसके तहत वो 1588 कोई आ गया, मैक्सिमम नंबर इज राम, ठीक है, क्या गया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट आ गई थी, यानी ये वो प्रोग्राम जो बना हुआ था उसकी ये आउटपुट थी, उस प्रोग्राम को देखते हैं किस तरह से। मैंने आपके साथ बात की थी कि ये जो ना वो मेरी स्क्रीन गायब हो गया, ये मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं ना एक काम करता हूँ आपके सामने, कंपाइल मेरा प्रोग्राम हो चुका है, मैं इसे रन करने की कोशिश करूँगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है गेट सीएस, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल, आपके सामने कंपाइल तो हो गया हुआ है, तो क्या मुझे दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा इसके लिए, ये जो मैंने चेंजिंग की है उसके लिए। तो मैं जब कंपाइल हुआ सक्सेस हो गई, ठीक है, मैं इसे करता हूँ रन, ये रन का बटन प्रेस किया, रन हो गया, एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर, एंड क्या हुआ, नहीं कुछ हुआ ना, क्या हुआ, ब्लिंक हुआ ना, यानी ये तो मैं कहना चाहता था कि आपने कल भी इस चीज को देखा था ना, मैंने बताया था, हाँ मेरी आंख बहुत ज्यादा तेज है, वो आई थी आउटपुट। मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, मैं रन कर रहा हूँ, मैं हाँ इतनी स्पीड के साथ ब्लिंक करके स्क्रीन आपकी गायब हो गई है। मैं दो तीन तरह से इसे एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, तो मैं असल में क्या कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ, मैं आपको गेट सी एच लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ ये देखो ना 23 65 45 एंटर आउटपुट आई थी, लेकिन नजर ही नहीं आई, उससे नजर आने के लिए मैंने जान बुझे वो साथ में लोगों ने लिखा ना गेट सी एच का जो फंक्शन है वो अप्लाई कर देते हैं। इस फंक्शन का क्या मकसद है ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ कि गेट सी एच करता है, कोई एक करेक्टर एंटर करे तो मैं गायब होगी वरना नहीं, तो सिर्फ आज में यानी कोई आपने करेक्टर जो है वो लेना है एज इनपुट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, वो कंपाइल कर देता हूँ, सक्सेस हो गया जी। उसके बाद मैंने क्या किया, रन रन पे जाके मैंने क्या कंट्रोल F9 प्रेस कर लेता, अब देखते हैं जी वही 43 65 और 45, चलिए ठीक है, ये वो कहता है मैक्सिमम नंबर 65 आपके तीनों में से ना मैक्सिमम नंबर। अच्छा अब आपको समझ तो आ गया ना बात की कि किस तरह से हम स्क्रीन को रोक के अपने आउटपुट दे सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं, कैसे कंपाइल कर सकते हैं। फाइल्स पहले से आपके लोगों की पहले से सेट है फाइल्स जहाँ पे, ठीक है, मैं ये एंटर का बटन दबा दिया, मैंने कोई सा बटन भी दबा देते तो वो खत्म हो जाए स्क्रीन, क्योंकि गेट सी एच का मतलब ये होता है कि आप कोई कोई बटन नहीं देते उस समय, उसके लिए होता है। तो अब के आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, इसके बाद हम लोग बाद में जो नेक्स्ट जो है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। मैं कर रहा हूँ और यहाँ से मैं जो है वो ट्रेलर यहाँ से ये